हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज फ्रेम में हमारे साथ है मारुति सुजुकी की नई ब्रेज़ा, जो कि एक न्यू जनरेशन ब्रेज़ा है। विटारा नाम इस ब्रेज़ा से हटा दिया गया है, इसे अब सिर्फ मारुति सुजुकी ब्रेज़ा बताया जा रहा है। इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो 8 लाख से स्टार्ट होता है। जो बेस वेरियंट है उसका प्राइस 8 लाख से स्टार्ट होता है और ये जाती है अप टू 13.96 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 14 लाख की टॉप वेरिएंट आता है। ये वेरिएंट है ZXI वेरिएंट। इसके ऊपर एक और वेरिएंट आता है ZXI प्लस। सबसे पहले स्टार्ट होती है LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस, ये है ZXI। इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माने जा रहे हैं, क्योंकि जो टॉप वेरिएंट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ पर द फीचर्स। इसके नीचे जो वेरिएंट है VXI, वो अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जा रहा है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ इस वीडियो में आपको पता चलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट लुक से। अगर आप इसकी फ्रंट लुक देखें तो फ्रंट लुक को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। आगे से जो है वो क्लैडिंग बहुत ज़्यादा ब्लैक क्लैडिंग जो बिगर साइज़ में दे दी गई है, जिससे कि इसका जो बम्पर है वो पूरा जो है ड्यूल टोन में आ गया है। यहाँ पे आपको रेड और ब्लैक में ड्यूल टोन में बम्पर मिल जाता है। नीचे स्किड प्लेट मिल जाती है। यहाँ पर सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। हेडलैम्प्स की बात करें तो हेडलैम्प्स आपको LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, और जो DRLs हैं, ड्यूल DRLs हैं, वो भी LED आपको DRLs मिलेंगे। इसके नीचे का जो वेरिएंट है VXI, उसमें आपको DRLs नहीं मिलते हैं, सिर्फ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। इस वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आती है। मैनुअल में ये आपको ऑन रोड जो है वो अराउंड 11 लाख की पड़ जाएगी, और अगर इसी का ही हम ऑटोमेटिक वर्जन की बात करें, जो कि बेसिकली टॉक कन्वर्टर है, 7-स्पीड टॉक कन्वर्टर, वो आपको पड़ जाएगा अराउंड 12.5 लाख का। अब इसमें फीचर्स जो हैं वो भर भर के दिए गए हैं। इसमें अगर हम इंजन की बात करें और डायमेंशंस की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। फीचर्स और इसकी जो कॉस्मेटिक चेंज है, लुक है, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म भी सेम है, और पेट्रोल इंजन जो इसका 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता था वो भी सेम है। आइए अब इसकी साइड लाइन में चलते हैं। साइड अगर व्यू की बात करें तो साइड व्यू में आपको जो है दोनों साइड पैसेंजर और ड्राइवर दोनों साइड रिक्वायर्ड सेंसर मिल जाएंगे। ORVM में इंडिकेटर्स आपको यहाँ मिलेंगे। इसकी एक और चीज़ जो मैं खास चीज़ में बताना चाहूँगा कि बेस वेरिएंट से भी इंडिकेटर्स जो हैं वो ORVMs में आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर फेंडर में नहीं मिलेंगे, ये आपको ORVMs में ही मिलेंगे। इसके ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर की अगर हम बात करें तो सारे आपको ब्लैक स्ट्रिप में मिल जाएंगे, कोई भी जो है वो आपको बॉडी कलर में नहीं आएगा, यानी कि ड्यूअल टोन आपको यहाँ पर फील देखने को मिलेगी। ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाएगी और साथ में ही इसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा। ZXI और ZXI प्लस में ही आपको सनरूफ मिलेगा, LXI और VXI में सनरूफ नहीं आता है। अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ में भी एक अच्छा इंक्रीज़ दिया गया है। 200 and 215 जो है टायर साइज़ इस बार दिया गया है, जबकि पुरानी ब्रेज़ा में 205 टायर साइज़ आता था। बाकी 16 inches का टायर सेम है, लेकिन जो टायर की प्रोफाइल है वो 205 से बढ़ाकर 215 कर दी गई है। अगर इसकी हम साइड क्लैडिंग की बात करें तो साइड क्लैडिंग भी काफ़ी चौड़ी कर दी गई है नीचे से। इसको ये एक थोड़ी जो है मस्कुलर लुक देती है। बॉक्सी फील आज भी इसकी बरकरार है ब्रेज़ा की, जैसे कि पहले आती थी। हाइट थोड़ी सी बढ़ाई गई है, बाकी व्हील बेस 2500 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 200 mm की मिल जाती है, और अगर पूरी लेंथ बात करें तो अभी भी सब 4 मीटर की कार है, तो 3.95 mm की आपको यहाँ पे डायमेंशन पूरी लेंथ में मिल जाएगी। डोर हैंडल्स जो है वो भी बॉडी कलर्ड ही मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं इसकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली चीज़ की, जो जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, वो है इसकी बैक। इसकी बैक की बात करें तो डिफ्यूज़ LEDs आपको यहाँ पे मिलेंगी, इंडिकेटर्स मिलेंगे, ब्रेक लाइट मिलेगी, और ये सारा जो है वो LED पैनल है। साथ में ब्रेज़ा की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग आपको सेंटर में मिल जाएगी। ये जो ब्रेज़ा की फॉन्ट है ये तक चेंज किया गया है, और इसकी जो लुक अगर आप देखें तो लुक बहुत ज़बरदस्त कर दी गई है पुरानी ब्रेज़ा से, और ये टोटली चेंज है। अगर आप पुरानी ब्रेज़ा से कंपेयर करेंगे तो इस ब्रेज़ा का लुक जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगा है, और यही एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात हो रही है। अब बात करते हैं इसके रिक्वेस्ट सेंसर, इसके पार्किंग सेंसर्स के बारे में। इस ZXI में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और यही पार्किंग सेंसर्स आपको बेस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि इस बार ब्रेज़ा ने, मारुति ने क्या किया है कि जो बेस वेरिएंट्स में भी अगर आप 8 लाख की या 9-9.5 लाख की जो ऑन रोड बेस वेरिएंट पड़ेगा, उसमें भी आपको कई सारे फीचर्स जो हैं वो इसमें मिल जाएंगे, जिसमें से ये भी एक पार्ट है कि आपको पार्किंग सेंसर्स भी चारों बेस वेरिएंट से मिलेंगे। ZXI और ZXI प्लस में आपको जो है वो बैक कैमरा भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हालांकि इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया गया। 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको ZXI प्लस जो आप वेरिएंट है, जो इसका टॉप वेरिएंट है, उसी में ही मिलेगा। साथ में ही आपको इस वेरिएंट में डिफॉगर और रियर वाइपर भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी।
अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करें तो 328 लीटर का आपको ठीक ठाक अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। बेसिकली पुरानी ब्रेजा में भी 328 लीटर ही आता था। अगर हम इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज़ का मिल जाता है, लेकिन एलॉय नहीं मिलेगा, आपको स्टील रिम के साथ मिलेगा। 215/60/R16 यानी कि सेम साइज़ का आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा इसमें। एक चीज़ और, जो आपको यहाँ पर जो है दोनों तरफ हुक मिल जाएंगे, जहाँ पर आप एक ही तरफ हुक है, ये आपको हुक मिल जाएगा कुछ भी सामान वगैरह डालने के लिए। प्लस यहाँ पे आपको बूट लैंप मिल जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे लाइट वगैरह भी देख सकते हैं। अगर हम फ्रंट रो की बात करें तो फ्रंट रो में आपको वही पहले जैसा मारुति का जो कई साल से यूज़ होता आ रहा है स्विफ्ट में और डिज़ायर वगैरह में, वही सेम आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड ORVMs के लिए कंट्रोल, पावर विंडोज़ के लिए कंट्रोल, लॉक अनलॉक के आपको बटन्स यहाँ मिल जाएंगे। इसमें मारुति ने कोई चेंज नहीं किया है, हालांकि मुझे लगता था कि शायद इस बार इस गाड़ी में ज़रूर चेंज मिलेगा, लेकिन अभी भी मारुति ने यहाँ पर उसी तरह के बटन्स जो हर गाड़ी में देते हैं वो दिए हैं। तो अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो कि ये टॉप से एक नीचे का वेरियंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी तरह के आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड आगे पीछे या स्लाइड करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको लीवर मिलता है जिससे कि हाइट एडजस्टमेंट हो जाएगी, यहाँ आपके जो है वो स्लाइड हो जाएगा, लेकिन किसी तरह का इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड आपको नहीं मिलेगा। राइट साइड में सबसे पहले देखें तो यहाँ पे आपको इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, और आपके जो हेडलैम्प्स हैं उनको कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है। यहाँ पर आपको जो है वो किसी एक ब्राउन कलर का टेक्सचर मिल जाता है, जो कि पहले प्योर ब्लैक आता था। अगर हम डोर्स में भी बात करें तो डोर्स में भी आपको ड्यूल टोन मिलता है, यहाँ पर आपको एक थोड़ा टेक्सचर सा ब्राउन टेक्सचर मिल जाएगा, जबकि पहली पुरानी ब्रेजा में टॉप वेरियंट में भी पूरा ब्लैक जो है इसमें आता था। ठीक है, अगर बाकी हम स्टीयरिंग की बात करें तो फ्लैट बॉटम यानी जिसे डी कट भी कहते हैं, फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग मिल जाएगा। राइट साइड में क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर कॉल, कनेक्ट, डिसकनेक्ट, ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। एक जो मेन चीज़ ये है वो है इसका पैडल शिफ्टर्स, क्योंकि ऑटोमेटिक कार है। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें 7 inches का मिलता है ZXi में। ZXi प्लस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको 9 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। अगर हम इसकी AC की बात करें तो ऑटोमेटिक कंट्रोल आपको AC मिल जाएगा, ये ब्लोअर है, यहाँ पर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ AC ऑन ऑफ का बटन है, फ्रंट वाइपर और रियर वाइपर के यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं, AC की जो डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। 7-speed आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। इसके नीचे अगर हम देखें तो 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाएगा, प्लस टाइप ए आपको यहाँ पर USB सिंगल कंट्रोल मिल सिंगल USB मिल जाएगा। अगर यहाँ पर हम सेंट्रल कंसोल की बात करें तो 2 कप होल्डर हैं, सेंटर में थोड़ी सी स्पेस है, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। बेसिकली इस वेरिएंट में भी कंपनी ने आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहले जैसा ही है, जैसे पहले हार्ड प्लास्टिक आता था वैसे ही है। डोर्स में आपको जहाँ पर ब्राउन कलर का जो ड्यूल टोन यहाँ पर मिलता है, इसमें आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, अदरवाइज पूरा जो है वो हार्ड में है, हार्ड प्लास्टिक है। और हार्ड प्लास्टिक की क्वालिटी में भी कोई इंक्रीज़ या किसी तरह का किसी तरह का भी जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है, वैसे ही आपको हार्ड प्लास्टिक यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है लेदर रैप्ड भी स्टीयरिंग नहीं है, स्टीयरिंग आपको जैसे नॉर्मल बलेनो में और स्विफ्ट में स्टीयरिंग मिलता था, उसी तरह का स्टीयरिंग अब जो है ब्रेजा में भी दिया जा रहा है टी कट। ये आपको ग्लास होल्डर मिल जाएगा यहाँ पे ऊपर, आपको ये जो है ये एक नया एडिशन ब्रेजा में किया गया है, जो बहुत टाइम से डिमांड में था कि ब्रेजा में भी सनरूफ दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट की जितनी भी दूसरी कार्स आती हैं, चाहे आप वेन्यू देख लीजिए, चाहे सोनेट देख लीजिए, चाहे नेक्सॉन देख लीजिए, सब में आपको सनरूफ मिलता है, सिर्फ ब्रेजा में सनरूफ नहीं था। इनफैक्ट मारुति की किसी गाड़ी में सनरूफ नहीं था, फर्स्ट टाइम जो है मारुति ने अपने ब्रेजा से जो है सनरूफ को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये है ब्रेजा का सनरूफ, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बट ठीक है, इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए इतना इनफ है। इसको वापस बंद कर देते हैं। बाकी यहाँ पर आपको दोनों जो है हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, अगेन येलो हेलोजन बल्ब्स हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट अगेन नहीं है, LED बल्ब नहीं दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर वैनिटी मिरर की बात करें तो वैनिटी मिरर आपको यहाँ मिल जाता है, और बल्ब जो है वो ऊपर मिल जाएगा, अगेन हेलोजन बल्ब के साथ। और अगर हम ड्राइवर साइड की बात करें तो ड्राइवर साइड में आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। एक और चीज़ जो इस वेरियंट में बहुत खास दी गई है वो है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। अगर आप चाहें तो इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों हो रहा है। तो ZXi और ZXi प्लस में आपको टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों मिल जाते हैं। अगर हम इसकी रियर सीट्स की बात करें तो रियर सीट्स का जो कंफर्ट है, जो आपको यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट है, वो भी ठीक ठाक मिलता है, पुरानी ब्रेजा की तरह ही मिलता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 2500 mm का जो ऐसे मैंने बताया व्हील बेस है, तो यहाँ पर आपको जो लेग स्पेस है आपको ठीक ठाक मिल जाता है।
दरवाजे का थर्ड भी ठीक ठाक है, दरवाजे का थर्ड इस बार इम्प्रूव्ड लग रहा है मुझे, थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले से। 4 स्टार ये गाड़ी पहले ग्लोबल एनकैप में लेके आई थी क्रैश रेटिंग में। इस बार मारुति जो है वो कुछ क्लेम नहीं कर रही है, बट उम्मीद है कि मिनिमम 4 स्टार या मे बी मोर देन दैट यहाँ पर क्रैश रेटिंग में ग्लोबल एनकैप में ये गाड़ी स्कोर करेगी। वापस आते हैं रेयर सीट्स में। रेयर सीट में आपको जो है रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं और एसी को आपके वेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा नॉब मिल जाता है। साथ में ही आपको 12 वोल्ट का सॉकेट एक और मिल जाता है। यहाँ पर किसी तरह का आपको जो है वो USB ड्राइव टाइप सी या टाइप ए नहीं दिया गया है। अगर आप हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी यहाँ पर क्यों सनरूफ है, लेकिन उसके बावजूद जो हेड स्पेस है, हेडरूम जो है बेसिकली ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है या बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक स्पेस आपको मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर सनरूफ एंड हो रही है उसके बाद एक छोटा सा कर्व दिया गया है और उस कर्व की वजह से पीछे जो स्पेस है वो आपका, अगर आपकी हाइट 5'10" या 5'11" भी है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आप 6 फुट या उससे ज़्यादा है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। दूसरी एक चीज़, यहाँ पर आपको जो रियर सीट है वो 60-40 स्प्लिट मिल जाती है और सेंटर में जो है वो आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और आर्मरेस्ट में आपको दो जो है वो कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये बहुत आजकल जो लोग हैं जिन्हें शॉफर ड्रिवन गाड़ी चाहिए होती, हालांकि शॉफर ड्रिवन कार नहीं है, लेकिन जो लोग पीछे बैठकर आनंद लेना चाहते हैं अपनी ड्राइव का, तो उनके लिए आर्मरेस्ट जो है बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है। बाकी सीट्स की बात करें तो सीट्स जो है वो ड्यूल टोन में है, ब्लैक और डार्क ब्राउन के ड्यूल टोन में आपको यहाँ सीट्स दी गई। हालांकि फैब्रिक सीट्स हैं, कोई भी लेदर अपहोल्स्ट्री आपको यहाँ नहीं मिलती है, बट इस वेरिएंट के हिसाब से फैब्रिक भी इसका कंफर्टेबल है काफ़ी। लेकिन सबसे पहले मैं जिस बारे में बात करना चाहूँगा वो है इसका जो बोनट की स्टिक है, जिससे कि आप इसको लगाकर बोनट खोलते हैं, इसकी प्लेसमेंट बहुत ख़राब जगह पे मुझे लगी। क्योंकि इसकी प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से आगे फ्रंट में है और फ्रंट में होने की वजह से इंजन हीट की वजह से ये इस टाइम इतना गर्म है कि आप इसको खोल करके यहाँ पर लगाएंगे तो आपको भी अच्छी खासी हीट फील होगी, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इंजन की अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी की जो इंजन्स हैं वो पहले से ही काफ़ी रिफाइंड थे, बट इस ये इंजन जो है ये सुपर जो है साइलेंट इंजन है, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है। अगर हम आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाएं, इस टाइम जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंजन इस टाइम स्टार्ट है और हम बिल्कुल इंजन के पास खड़े हैं, उसके बावजूद बहुत कम आवाज़ जो आ रही है। बहुत ही रिफाइंड इंजन सुजुकी का है ये, पहले भी बहुत रिफाइंड इंजन होते थे लेकिन ये सुपर रिफाइंड इंजन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बोनट में डैम्पिंग भी दी गई है जो जस्ट टू सप्रेस दी साउंड, लेकिन साउंड ऑलरेडी इतना कम है मुझे लगता नहीं कि इसकी ज़रूरत थी। और ये जब बंद होने के बाद आपको गाड़ी खड़ी है स्टार्ट में पता भी नहीं चलेगा कि इस टाइम जो गाड़ी है वो ऑन है। एक चीज़ और जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसकी पोजीशन यहाँ पर है एग्जैक्ट इंजन की एग्जॉस्ट के सामने, जिसकी वजह से ये ओवरहीट हो जाता है। अब बात करें अगर बोनट की वेट के बारे में तो बोनट का वेट एक काफ़ी जो है सरप्राइजिंग फैक्टर मुझे लगा। मारुति सुजुकी के जितने भी, चाहे वो आप बलेनो देख लीजिए, वेगनार देख लीजिए, स्विफ्ट देख लीजिए, किसी का भी बोनट इतना हैवी नहीं है जितना ब्रेजा का बोनट इस टाइम हैवी है, अच्छा खासा। हालांकि इसको आप अभी भी एक्सॉन या XUV300 के बोनट से कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल ये जितनी जो पहले ब्रेजा की क्वालिटी रहती थी, मारुति सुजुकी की कार्स की जो क्वालिटी रहती थी, उससे काफ़ी बेटर इसका बोनट इस बार है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वॉक अराउंड वीडियो जिसमें हमने आपको ZXI वेरिएंट के सारे फीचर्स के बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। LXI, VXI, ZXI और ZXI Plus, अगर आप ZXI Plus का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ZXI के वेरिएंट में अब क्वेश्चन आता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। 11 लैक्स की जो है मैनुअल ऑन रोड आती है, 12.5 लैक्स की गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक ऑन रोड आती है। इसमें आपको फीचर्स जो है वो वैल्यू फॉर मनी मिलते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, सारे फीचर्स वैल्यू फॉर मनी है। ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स इसमें दिए गए हैं वो सारे इसके प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। अगर आप ZXI Plus के लिए जाते हैं, आप टॉप वेरिएंट ही लेना चाहते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा सराउंड सिस्टम चाहिए या आपको ड्यूल टोन चाहिए या आपको जो डायमंड कट अलॉयस चाहिए, उस सब फीचर्स के लिए आप अब उस प्राइस को ले जा सकते हैं जिसमें आप 14 लाख देंगे। बट आई थिंक जो रिकमेंडेड वर्जन है, जो रिकमेंडेड सेगमेंट है इस गाड़ी का, जो हम आपको रिकमेंड करेंगे लेने के लिए, वो है ZXI। ZXI आपको लेनी चाहिए। कोई भी वेरिएंट आप उठा लीजिए, जो मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच का डिफरेंस है वो 1.5 लाख के आसपास आएगा। ब्रेजा के ही और वेरिएंट्स का वीडियो भी हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। अगर आप इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।